सो फाइनली दोस्तों टेक्नोपोवा 5 प्रो स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है और हमारे सामने इसकी सारी स्पेसिफिकेशन और प्राइस निकल के आ चुकी है। फर्स्ट लुक में आपको ये जो स्मार्टफोन है बहुत ही जबरदस्त दिखने वाला है, बिल्कुल बॉक्सी डिजाइन भी दिखेगा। बैक साइड में आपको एकदम फ्यूचरिस्टिक डिजाइन देखने को मिलता है, जहां पर आपको ग्लिफ इंटरफेस भी देखने को मिल जाएगा दोस्तों, जहां पर आपको RGB लाइट्स देखने को मिलेगी। साथ में बैक साइड में आपको ड्यूल कैमरा का सेटअप और एक सिंगल LED फ्लैश लाइट। बात करें डिस्प्ले की तो आपको यहाँ पे फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जहां पर आपको पंच होल कटआउट भी देखने को मिलेगा। स्क्रीन डिस्प्ले साइज की बात की जाए दोस्तों तो 6.78 इंच की IPS LCD स्क्रीन देखने को मिलेगी, जहां पर आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं पीक ब्राइटनेस की तो इंडोर और आउटडोर को मिला के 480 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलेगी। साथ ही में दोस्तों ये डिस्प्ले जो है वो फुल HD को सपोर्ट करती है। बात कर लेते हैं यहाँ पे कैमरा डिपार्टमेंट की दोस्तों, तो पहला कैमरा आपको बैक साइड में जो मिलेगा वो होगा 50 MP का प्राइमरी सेंसर और दूसरा आपको AI सेंसर देखने को मिलेगा और सिंगल LED फ्लैश लाइट। वहीं बात करें यहाँ पे फ्रंट कैमरे की तो यहाँ पर आपको 16 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आप 1440x30 FPS पे भी वीडियो क्वालिटी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। बात कर लेते हैं प्रोसेसर की दोस्तों, तो यहाँ पर आपको MediaTek Dimensity 6080 चिपसेट देखने को मिलेगी, जहाँ पर आपको 5G टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिलेगा। साथ ही में ये जो स्मार्टफोन है यहाँ पे ड्यूल सिम का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको हाइब्रिड स्लॉट देखने को मिल सकती है। बात कर लेते हैं वहीं पे रैम और स्टोरेज की दोस्तों, तो यहाँ पर आपको 8GB की रैम प्लस 8GB की वर्चुअल रैम का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आपको 128GB की इंटरनल स्टोरेज मिलेगी। साथ में यहाँ पर आपको दोस्तों मेमोरी कार्ड स्लॉट भी देखने को मिल सकता है और ऐसा कहा जा रहा है कि वो अप टू 1TB तक की आपको स्टोरेज प्रोवाइड करवा सकता है। बात कर लेते हैं यहाँ पे बैटरी बैकअप की दोस्तों, तो 5000 mAh की फुल बैटरी देखने को मिलेगी। साथ में यहाँ पर आपको 68W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा इस डिवाइस के साथ में, 10W का रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की दोस्तों, तो एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स आपको देखने को मिलेगा, जहां पर जो परफॉर्मेंस है काफी बढ़िया होने वाली है। साथ ही में स्मार्टफोन के अंदर जो गेमिंग है वो दोस्तों आपकी बहुत ही तगड़ी होने वाली है, तो ये फोन मेरे हिसाब से आप लोग के लिए काफी बढ़िया रहेगा अगर आप गेम लवर हैं। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे सेंसर्स की दोस्तों, तो यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। साथ में यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको वॉल्यूम रॉकर्स देखने को मिल जाएंगे, ऊपर की तरफ माइक्रोफोन और यहाँ पर एक ड्यूल ट्रे आपको देखने को मिल जाएगी सिम की। नीचे की तरफ आपको USB टाइप सी पोर्ट देखने को मिलेगा, 3.5mm ऑडियो जैक और यहाँ पर स्मार्टफोन के अंदर आपको ड्यूल स्पीकर का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। एक्स्ट्रा फीचर्स की बात किया दोस्तों, तो यहाँ पर आपको वाईफाई का सपोर्ट मिलेगा, NFC का सपोर्ट मिलेगा। साथ में यहाँ पर आपको ब्लूटूथ 5.2 देखने को मिल सकता है या फिर ब्लूटूथ 5.3 भी देखने को मिल सकता है। साथ ही में दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको दो अलग अलग कलर्स भी देखने को मिल जाएंगे, एक ब्लैक कलर होगा एक सिल्वर कलर होगा, जो कि दोनों ही बहुत ही स्मार्टफोन लगते हैं, जहाँ पे ये जो स्मार्टफोन्स है दोनों फ्यूचरिस्टिक दिखाई देते हैं। चलिए बात कर लेते हैं इसे लॉन्चिंग डेट और प्राइस की दोस्तों, तो हाल फिलहाल इसे इंडोनेशिया में लॉन्च कर दिया गया है दोस्तों, और इंडिया में ये कब लॉन्च होगा, इंडिया में ये अगस्त के मिड में कभी भी लॉन्च हो सकता है दोस्तों। वहीं बात करें इसकी प्राइस की तो तकरीबन मान के चलिए 15,000 से 16,000 रुपए के बीच में आपको यहाँ पर पहला वेरियंट इसका देखने को मिल सकता है। सो ओवरऑल ये सारी चीजें थी टेक्नोपोवा 5 प्रो 5G स्मार्टफोन के बारे में। ओवरऑल जो लुक्स है दोस्तों बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही शानदार है। अगर आप गेमर हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया फोन रहने वाला है, क्योंकि आपको यहाँ पे डायमेंसिटी 6080 चिपसेट देखने को मिल जाती है। साथ ही में जो डिजाइन है बहुत ही ज्यादा किलर लुक वाला है, बॉक्सी डिजाइन है, तो बहुत ही अच्छा हैंड फील भी होने वाला है। बाकी आपके स्मार्टफोन्स के लेके क्या ओपिनियंस है मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपको ये फोन कैसा लगा वो भी जरूर बताइएगा। साथ ही में वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए गाइस थैंक यू फ्रॉम टेक्ट्रॉनिक्स, टेक केयर, जय हिंद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।